कुत्ते जो हैं पीपल्स पार्टी के जियाले पकड़ेंगे या कप्तान के खिलाड़ी पकड़ेंगे। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अली स्पोर्ट टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद अली। कुछ सीनियर असेंबली में आज भी कुत्तों का मामला उठाया गया। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के मेंबरों का कहना था कि कुत्ते पकड़ना उनका काम नहीं है, उनका काम सिर्फ लेजिस्लेशन करना है। सिंध में कुत्तों की रेस और कुत्तों को पकड़ना और ये मामला बढ़ गए हैं। अब ये ऐवानों में भी डिस्कस हो रहे हैं। आइए इस हवाले से MPs क्या कहते हैं और असेंबली में क्या कार्रवाई हुई है आपको दिखाते हैं। कुत्तों ने लाखों बच्चों को काट लिया, वैक्सीन ये देते नहीं है। अब कुत्ते किसने मारने हैं, किसने पकड़ने हैं बताया जाए, क्योंकि हमारे पास कोई कुत्ता मार मुहिम नहीं है, हम कुछ नहीं करा सकते। ये लाइन ही इनकी हो, दवाई इन्होंने नहीं दी, कुत्ते इन्होंने नहीं पकड़े, कुत्ते इन्होंने नहीं मारे, सस्पेंड न मोरे, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये जाने और कुत्ते जाने, ये जाने उनका मारना जाने, ये जाने उनका पकड़ना जाने, हमारा क्या मतलब है। बदकिस्मती से हम जितने MPs यहाँ पे मौजूद हैं, ना तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने ना हेल्थ डिपार्टमेंट ने हमें आगाह तक नहीं किया, वरना हम उनके साथ कोऑर्डिनेट हो जाते और उसको सुपरवाइज भी कर लेते और उसको मॉनिटर भी कर लेते। आप भी कुत्ते मारते ना। अच्छा, अब हमें जब नहीं पता चला तो हाई कोर्ट ने गुस्से में ये ऑर्डर जारी किया कि मारना तो बहुत बड़ा गुनाह है, MPA जुर्मदार से बाहर नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में MPA, MNA, सेनेटर इन सब का रोल डिटरमाइंड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि जी अगर MPA, MNA है उसका काम लेजिस्लेशन है, कानून साजी करना है, उसका काम जो है वो कोई भी काम अपने कानून साजी से बाहर करना उसके मैंडेट में उसके डोमेन में नहीं है। हमने पिछले एक साल में 1.5 लाख डॉग बाइट केस हुए हैं सर। पंजाब में ये 15 मार्च की ट्रिब्यून की रिपोर्ट पढ़ो, 4,07,000 केस हुए हैं। KPK में 2,25,000 केसेस हुए हैं, बलुचिस्तान में 8,00,000 केसेस हुए हैं। लेकिन मैं इस पर किसी को भी तंकीद करना नहीं मनाना चाहता कि जी अगर सिंध के MPs को सस्पेंड किया गया तो जो पंजाब और KPK और बलुचिस्तान के MPs को सस्पेंड किया जाए, क्योंकि ये उनका काम है ही नहीं, ये उनका डोमेन है ही नहीं। अगर कोई ऐसी चीज जो कि आपके डोमेन में नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको कहती नहीं, जबरदस्ती आपको किसी से कोई काम नहीं करवा सकते, कोर्ट के डायरेक्शन सर आंखों पर है, उस जजमेंट को चैलेंज किया गया है। क्योंकि जो जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो TMA का ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ऑफिसर, ये उनकी ड्यूटी है जो उनको करना चाहिए। कोई खुश नहीं होगा कि किसी भी मासूम बच्चे को या किसी बुजुर्ग को या किसी भी इंसान को अगर कोई खुदा न खाता डॉग बाइट का केस हुआ, तो उसमें खुशी की बात नहीं। हर गवर्नमेंट कोई भी नहीं चाहिए। अगर मैं बताऊं कि पंजाब में 4.5 लाख केस हुए तो कोई खुशी की बात तो नहीं है। उस्मान बोलदार साहब को नहीं कहा होगा कि भाई इनको करने दो। और KPK में मैंने बताया कि 2,25,000 केसेस हुए या बलुचिस्तान में 8,00,000 केस हुए, तो चीफ मिनिस्टर या वहां के MP ने तो नहीं कहा होगा। लेकिन डेफिनेटली हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ये इश्यूज हैं जिसको हम सब लोगों ने एड्रेस करना है। तो सर मकसद यह है कि इस चीज को अगर नोटिस आए हैं तो मैं तो चाहूंगा कि हमारे जितने भी MPs हम देखें, अदालत का 100 दफा एहतराम, अदालत में अदालतें हैं, फिर उनसे ऊपर भी अदालतें हैं, हमें सबको कॉन्टेस्ट करना चाहिए। मैं तो इस हाउस के तवसुत से अच्छे माहौल में अच्छी अच्छी बातें हो रही है, स्टैंडिंग कमिटीज की भी बातें हो रही है, तो मैं कहता हूं कि इस हाउस में 2 मेंबर PTI के, 2 GDA के, 2 पीपुल्स पार्टी के, हम सब मिलकर जाकर पिटीशन दाखिल करते हैं जी कि ये हमारे MPA है, ये हमारा आईन में किरदार लिखा हुआ है और इस किरदार से हमें काम लिया जाए। आपसे काम अब जियालू की टीमें पकड़ेंगी या कप्तान के खिलाड़ी पकड़ेंगे, क्या होगा इस हवाले से सर? देखिए, ये तो काम जो बलदियाती इदारे हैं, जो टाउन कमेटीज हैं, म्यूनसिपल कमेटीज हैं, यूनियन काउंसिल हैं, ये उनका काम है, वही करेंगे। अच्छा, आपने सर, आपके पास कुत्ते हैं, आपने कुछ पाले हैं या कोई टीम वगैरह से बनाई? मैं कोई ऐसा शौक नहीं रखता। थैंक यू सर। सर कुत्ते जो हैं पीपल्स पार्टी के जियाले पकड़ेंगे या कप्तान के खिलाड़ी पकड़ेंगे, क्या बना रहे हैं इस माहौल में? दोनों का काम नहीं है, और मैं समझता हूँ जिसका काम है उनको करना चाहिए, वो म्यूनसिपल सर्विसेज का काम है। और ये जो म्यूनसिपल का काम है वो खामखा MPs पे और पॉलिटिशियंस पे लाना, मैं नहीं समझता हूँ, काम ही नहीं है। तो जिसका काम है उनको करना चाहिए, और मैं समझ, ये तो अब बात क्लियर हो चुकी है, हाई कोर्ट के जो भी फैसले हैं जाती है MPs के साथ के MPs को उसमें शामिल करना खामखा उनके काम है, कानून साजी करना उनका काम थोड़ी होते पकड़। देखें, अदालत का जो फैसला है, मैं बतौर MPA अपोजिशन का इसको अप्रिशिएट करता हूँ। देखें, हम यहाँ अपोजिशन में हैं, हमारे पास कोई फंड नहीं है, ये सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। और मैं हाई कोर्ट से ये कहूंगा कि जो गवर्नमेंट के MPAs हैं उन सबको सस्पेंड करें, मिनिस्टर को भी करें, वजीर आला को भी करें, वजीर सेहत को भी करें, ये उनका काम है, फंड्स उनके पास हैं। उन्होंने जो कुत्तों को खसी करने के लिए जो अमाउंट रखी थी उससे कुत्ते तो खसी नहीं किए, पता नहीं किया।